करें मेरे चैनल सैयद साद कादरी को और बेल आइकॉन दबाएं मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु में 23 हिजरी के वाकयात में आज हम फतह सजिस्तान का जिक्र करेंगे। इमाम तबरी ने तारीख तबरी की जल्द नंबर 3 सफा नंबर 203 पर इस वाक़े को नकल किया है कि हज़रत आसिम बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सजिस्तान, या जिसे सीस्तान भी कहते हैं उर्दू में, आपने ये नाम भी सुना होगा सीस्तान, ये सजिस्तान का एक और नाम है, इस तरफ रुख किया। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमैर रजी अल्लाह तआला अन्हु को भी फ़ौज लेकर इनके साथ शामिल किया गया और वो शामिल हो गए। इनका अहले सजिस्तान से इनके करीबी इलाके में मुकाबला हुआ और मुसलमानों ने फिर इन लोगों को शिकस्त दी। फिर इनका ताकुब किया गया, यहाँ तक कि जरनच के मुकाम पर इनका मुहासरा कर लिया गया। मुसलमान सजिस्तान के दूसरे इलाकों को इस अरसे में फतह करते गए जहाँ तक इनसे मुमकिन हुआ। आखिरकार अहले सजिस्तान ने जरगुम और दीगर मफतूहा इलाकों के बारे में मुसालहत कर ली और इनका माहिदा मंजूर कर लिया गया। उन्होंने अपने सुलहनामे में ये शर्तें मंजूर करा ली थी कि इनके जंगल महफूज चरागाहों की तरह समझे जाएंगे, इसलिए मुसलमान जब वहाँ से गुजरते थे तो इनके जंगलों से बच कर निकलते थे कि कहीं वो उन्हें नुकसान पहुंचाकर अहद शिकनी के मुर्तकिब ना हो जाए। बहरहाल अहले सजिस्तान खिराज देने पर रजामंद हो गए और मुसलमान इनकी हिफाजत के जिम्मेदार बने। सजिस्तान खुरासान से बड़ा इलाका था और इसकी सरहदें दूर दराज इलाकों तक फैली हुई थी। ये लोग कंदहार, तुर्क और दूसरी कौमों से जंग करते थे। ये इलाका सिंध और दरियाए बल्ख के दरमियान था। ये हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में सबसे बड़ा और अहम इलाका रहा। इसकी सरहदें बहुत दुश्वार गुजार थीं और इसकी आबादी सबसे ज़्यादा थी और लश्कर सबसे बड़ा था। हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में वहाँ का बादशाह अपने भाई रुतबैल से भाग कर शहर आमिल की तरफ चला गया और मुस्लिम बिन ज़ियाद का मुती हो गया, और जो इस जमाने में सजिस्तान के हाकिम थे वो इस बात से बहुत खुश हुए और उन्होंने इसके साथ एक माहिदा करके इन्हें वहां आबाद कराया। उन्होंने हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु को इस बात से मुत्तला किया कि उन्होंने इस पर फतह हासिल कर ली है। इस पर हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, मेरा भतीजा सलम बिन ज़ियाद अपने इस कारनामे पर खुश है, मगर मुझे इसका रंज है और इसे भी इसका रंज होना चाहिए। लोगों ने दरियाफ्त किया कि या अमीरुल मोमिनीन, हजरत मुआविया इस बात का रंज क्यों हो? आपने फरमाया, इस वजह से कि ये कि आमिल ऐसा शहर है जिसके और जरनच के दरमियान पेचीदगी और रंजिश है, और ये कौम बहुत बेवफा और गद्दार है, इसलिए आइंदा ये ताल्लुकात कमज़ोर हो जाएंगे और वो लोग निहायत आसानी से आमिल के तमाम इलाके पर गालिब आ जाएंगे। बहरहाल उन्होंने हजरत मुआविया ने मुस्लिम बिन ज़ियाद के माहिदे को बरकरार रखा। हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के बाद जब फितना और फसाद फिर शुरू हुआ तो शाह अहद शिकनी करके आमिल के तमाम इलाके पर गालिब आ गया, जैसा कि हजरत मुआविया ने खदशे का इजहार किया था। रुतबील को बादशाह का खौफ दामनगीर हुआ तो इसने इस मुकाम पर पना ली जहां वो इस जमाने में रहा। उसने इसी पर इक्तफा नहीं किया, बल्कि जब इसने देखा कि लोग दूसरे कामों में मशगूल हैं तो इसने जरनच पर कब्जा करने का इरादा कर लिया और इस पर हमला कर दिया और इसका मुहासरा कर लिया। आखिरकार बसरे से इन लोगों के लिए फौजी इमदाद भेजी गई। उस जमाने से रुतबैल और उसके साथी इस मुल्क के लिए मुसीबत का सबब बने हुए थे। इससे पहले हजरत मुआविया की वफात तक यह इलाका बिल्कुल मुती और फरमाबरदार रहा था। इंशाअल्लाह ताला फिर अगले दर्स में हम मकरान की फतह के बारे में आपको बताएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल के आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके और आप हमें हमारे लाइव सेशंस में भी ज्वाइन कर सकें। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।